नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उत्तराखंड में राशन कार्ड ना होने की वजह से जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहे उनके कार्ड अब आधार और वोटर आईडी के जरिए बनाए जाएंगे। जी हां, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। आयुष्मान योजना तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। इससे उन लोगों को आयुष्मान कार्ड बनवाने में आसानी होगी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की द्वितीय शासकीय सभा की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष्मान भारत अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत 100% सैचुरेशन किया जाए। राशन कार्ड न होने के कारण जिनके आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे उनके लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या अन्य दस्तावेजों के आधार पर बनाए जाए। उन्होंने इसके लिए जनता की शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी प्रणाली तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्रों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल सके। राज्य में करीब 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। इसका कारण ये है कि इनके नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के डेटा में नहीं है, जबकि बाद में ये बने इनके राशन कार्ड के आधार पर आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे। वहीं मुख्य सचिव के निर्देश से इन लोगों को राहत मिलेगी। अब ये अपने आधार कार्ड का प्रयोग कर आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।